नूह में शिव मंदिर से हुई फायरिंग, सामने आया नूह हिंसा का सनसनीखेज वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाते दिखे बजरंग दल वाले। हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के बाद ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिससे ये शक और पक्का होता जा रहा है कि ये पूरी हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ऐसा ही एक वीडियो नूह के नल्लड़ शिव मंदिर से सामने आया है। इस वीडियो को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें एक शख्स हाथ में असोल्ट राइफल लिए फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब ये शख्स फायरिंग कर रहा है, तब वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। यानी पुलिस की मौजूदगी में ही ये बंदा फायरिंग करता है। भीड़ में नजर आ रहे कई लोगों ने बजरंग दल की टी शर्ट पहन रखी है। अगर ये वीडियो सही है तो ये हैरान कर देने वाला है कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में ही इस तरह से गोलियां चलाई गई। मोहम्मद जुबैर के ट्वीट के मुताबिक सफेद शर्ट वाले गोली चलाने वाले इस व्यक्ति का नाम अशोक बाबा है, जो बजरंग दल की फरीदाबाद यूनिट का सदस्य है। हाल ही में इसने अपनी फेसबुक वॉल पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ तस्वीरें भी शेयर की थी, यानी इसकी पहुंच कई बीजेपी नेताओं तक है। एक पुराने वीडियो में अशोक बाबा नाम का ये व्यक्ति मेवात को पिछले कई महीनों से सुलगा रहे मोनू मानेसर यानी मोहित यादव के साथ भी दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ जुनैद हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर फरार है, लेकिन उसने एक वीडियो जारी कर ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था, और इसी के बाद से नूह में हिंसा भड़क उठी। कथित गोरक्षा के नाम पर अशोक बाबा कई तस्वीरों में मोनू मानेसर के साथ नजर आ रहा है। जुबैर के मुताबिक जिस असोल्ट राइफल का इस्तेमाल अशोक बाबा गोलियां चलाने के लिए कर रहा है, वही राइफल मोनू मानेसर के हाथ में भी दिखाई दी है और उसकी तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की है। हथियारों के साथ यूं मंदिर से गोलियां चला रहे इन लोगों ने बजरंग दल की टी शर्ट पहन रखी हैं। हम इन वीडियो और तस्वीरों की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन अगर ये सभी तस्वीरें और वीडियो सही हैं, तो इससे यही लगता है कि बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत नूह हिंसा को भड़काया गया और उसके लिए हथियार भी मुहैया कराए गए। हरियाणा की मनोहर सरकार की पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से भगवा ब्रिगेड के लोग गोलियां चला रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मिली भगत की ओर इशारा करता है। ऐसे में नूह हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB00002 35, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।